देखिए आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी। कुछ खुराफाती तत्वों ने, कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ मौका परस्त लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा ले करके कुछ भड़काऊ पोस्ट डाले थे। उनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसके तत्काल बाद सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई, उनकी बड़ी बैठक ली गई। हमारे ज़िला प्रयागराज के कोने कोने से तमाम मस्जिदों के मुतवल्ली, इमाम, खानकाहों के सज्जादा नशी, सभी धर्मगुरु आए। सभी से मीटिंग की गई, अपील की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, नमाज अता करें, शांतिपूर्वक नमाज अता करके अपने घरों को जाएं। किसी के भड़कावे में आके, उकसावे में आके, बहकावे में आके माहौल न बिगाड़ने की कोशिश हो, भीड़ भाड़ एकत्रित न किया जाए। सभी तौर तरीके से अपनी दुकानें खोलें, अपना काम करें, जबरन कोई कार्य न किया जाए। जबरन कोई दुकान बंद कराने का इस तरह का हरकत आएगा तो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके फिर कार्रवाई होगी, उसके आप हकदार होंगे, फिर आप ही की सारी जिम्मेदारी होगी। इस तरह की बातें हमारे द्वारा कही गई हैं। सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयागराज पुलिस मुस्तैद है, कमर कस के तैयार है। साथ ही साथ एहतियात के तौर पे एक बड़ी संख्या में, करीब 10,000 से भी ज़्यादा, हमारा सिविल पुलिस, पीएसी बल, पैरामिलिट्री बल, लोकल इंटेलिजेंस के लोग, रैपिड एक्शन फोर्स की भी कंपनियां आई हुई हैं, सभी को लगाया गया है ताकि अगर कोई भी अमन व अमान के लिए ख़तरा बन रहा है, अमन व अमान को गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो तत्काल उस एक आदमी को या दो चार आदमियों या मुट्ठी भर लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया जाए, ताकि और जो हमारे बाकी सब भाई बंधु हैं, 80 लाख की आबादी आवाम है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए उसमें कोई खलल ना पड़े। इसके लिए पुख्ता और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी धर्म गुरुओं ने, सभी मस्जिद के इमाम ने, सज्जादा नशी ने, सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया कि कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। कुछ मामले कहीं घटे हैं तो जहाँ के मामले हैं वहाँ पे एक्शन हो रहा है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन हमारे प्रयागराज ज़िले में अमन व अमान कायम रहे, सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से करें, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी शहर में कोई दिक्कत ना आने पाए, किसी का नाबालिग बच्चा वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए, उस पर कार्रवाई ना हो, कोई भी उस पर कार्रवाई ना हो, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। हमको किसी पे मुकदमा न दर्ज करना पड़े, किसी पर कोई जीडी एंट्री न करनी पड़े, थाने के रिकॉर्ड में किसी का भी नाम ना आए, हम ये दुआ करते हैं। उसके लिए अपील भी जारी किए हैं, पुरजोर अपील जारी किए हैं, उसकी कोशिश भी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल तैनात है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी कराई जा रही है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोग छतों पर कोई चीज़ सामग्री रखे हों, ताकि हम ये मेंटेन कर सकें कि हमारे कोई भाई बंधु किसी के उकसावे बहकावे में आ करके कानून को अपने हाथ में ना लें। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, अनावश्यक रूप से बहकावे में आके वो कानून को हाथ में ले लेते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, फिर वो कानूनी कार्रवाई के हकदार हो जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए हमने भारी फोर्स लगाया हुआ है। हम बतौर SSP प्रयागराज और हमारे DM साहब, सभी SSP CEO, एडिशनल SP, सभी लोग ऑन रोड हैं, आप देख रहे हैं, मुस्तैद रहेंगे और पूरे शाम तक और देर रात तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोई उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको आवाम का दुश्मन माना जाएगा, उसको शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। किसी की पैरवी नहीं मानी जाएगी, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। जो शरारती खुराफाती तत्व हैं उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करके गैंगस्टर और रासुका के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकती है।